हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो साथियों आज बात करते हैं टीए की ओपन रैली खुली भर्ती के बारे में बातें, लेकिन हम ये बातें करेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले कुछ भाइयों के जो जरूरी कमेंट्स हैं उन कमेंटों के बारे में बातें करेंगे। उन कमेंटों को वन बाय वन करके मैं क्लियर करूँगा कि जो जो आपने पूछा है वो मैं 100% सही बताने की कोशिश करूँगा। तो बने रहे वीडियो के साथ में। लेकिन उससे पहले जो भाई भी कोई वीडियोज में या चैनल पर पहली बार आया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आए दिन भर्ती से संबंधित कोई ना कोई जानकारी भरे वीडियोस डालता रहता हूं। तो विलंब ना करते हुए, देर ना करते हुए चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो अभी यहां पर एक बीटो एस डब्ल्यू यू ने कमेंट किया कि सर मेरा हैंड पर टैटू है, क्या मैं रिजेक्ट होऊंगा या सिलेक्ट होऊंगा। तो उन्होंने बताया नहीं है वैसे कि इनका जो टैटू है किस हैंड पर है, वो लेफ्ट पर है या राइट पर है। तो ज़्यादातर इसमें दोस्तों देखने में आता है कि जैसे जो हमारा सैल्यूटिंग हैंड होता है ये राइट वाला, इसमें यहाँ पर भी या इस जगह पर या कहीं भी या जहाँ पर भी दिखने वाली जगह पर अगर कोई टैटू है तो उसको नहीं लिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हमारा ये सैल्यूटिंग हैंड होता है ये पूरा दिखता है जब हम किसी अधिकारी को सीनियर को सैल्यूटिंग करते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि मेरा ओपिनियन आप लोगों को सभी को राय यही है कि जो बच्चे भी डिफेंस फोर्स में या आर्मी या टीआरमी में किसी में भी भर्ती होने के भर्ती पहनने के सपने देख रहे हैं वो भूल करके भी टैटू ना बनवाएं। और अगर बनवा लिया है तो आजकल वो मशीनों से निकल भी जाता है तो उसको निकलवा लें तो ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट भी भाई का इसमें आया अभी यहाँ पर ये, सर प्लीज बताइए टी आर्मी का फॉर्म कब निकलेगा, प्लीज सर बताइए बहुत अर्जेंट है। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बताया था कि दोस्त ऐसा है कि टी आर्मी का सिर्फ जो ऑफिसर होता है उसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होती है, उन्हीं के लिए ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है उस पर जाकर हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो भाई जीडी की भर्ती देखते हैं, जीडी सोल्जर की भर्ती, जीडी ट्रेड्समैन या क्लर्क्स की भर्ती देखते हैं, उनके लिए कोई भी ऑफिशियल साइट पर ना तो कोई नोटिफिकेशन आता है और ना ही इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके लिए क्या होता है, आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें इसकी खबर आती है या जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें इसकी खबर आती है। ऐसा अभी तक कोई भी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर आर्मी का ट्रेडमैन डीएससी ज्वाइन कर सकता है क्या, ये क्या है? ग्रीन जोन ने पॉइंट किया है मेरे को। जी बिल्कुल कर सकता है। अगर आर्मी में आप किसी भी ट्रेड में हो, कोई ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो या जीडी सोल्जर हो या टेक्निकल हो, तो सबसे ज़्यादा डीएससी में आर्मी की ही भर्ती होती है और बाकी एयरफोर्स और नेवी के भी कुछ परसेंट जवान उसमें लिए जाते हैं, लेकिन आर्मी के सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसमें रखी गई है। तो आप भले ही ट्रेड्समैन हैं, आप बखूबी बड़े आरएम से जब भी कोई डीएससी की भर्ती निकलेगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट इंडियन आर्मी का है कि जैन सर क्या मैं टीए आर्मी से गोरखा रेजिमेंट में जा सकता हूँ या बिहार पुलिस से गोरखा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मेरी यही राय कि अगर आप बिहार पुलिस में हैं तो बिल्कुल भी आप बिहार पुलिस को ना छोड़ें। बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस बहुत अच्छी एक मतलब जॉब है, सरकारी जॉब है। और अगर नहीं, अगर आप बिल्कुल सिविल में हैं और आप टीए आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तब अलग बात है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे भी जिस रेजिमेंट में इसमें सेंटर वाइज भर्ती होती है, जैसे दिल्ली में राजरिप का सेंटर है तो आप अगर यहाँ पर भर्ती होंगे तो राजरिप में जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर इसमें टी आर्मी में ऐसा नहीं है कि आप राजरिप में भर्ती होकर के गोरखा में चले जाओगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोरखा रेजिमेंट का जो सेंटर है वहीं पर जाके भर्ती होना पड़ेगा और उसी टाइम पर आप, लेकिन इसमें भी क्या होता है जोन वाइज होता है कि आप किस जोन से संबंधित हैं, किस जोन में आ रहे हैं आप। जिन लोगों को अपना अपना जोन नहीं पता है तो अपना वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिख करके भेजें, मैं उनको जोन का बता दूंगा कि वो किस जोन में आते हैं। नेक्स्ट है सर टी लक्ष्मी महंदी ने पॉइंट किया है कि सर टी आर्मी का कट ऑफ कितना जाता है। तो सिर्फ मैं आपको बता दूं कि टी आर्मी या आर्मी में ऐसा कोई कट ऑफ का इसमें योग प्रावधान नहीं होता है, ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स में होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई एससी एसटी या ओबीसी नहीं चलता है, इसमें सभी कोई जातिवाद नहीं होता, सारे वर्ग एक समान होते हैं। इसमें इतना ही है कि आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है कि आपने दौड़ में कितने नंबर लिए हैं, बीम में कितने नंबर लिए हैं और आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसमें आपने कितने नंबर अर्जित किए हैं, उस हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस हिसाब से ही सिलेक्शन होता है। बाकी इसमें कोई ऐसा कटअप का जातिवाद नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर टी आर्मी ओके एसीसी एग्जाम दे सकते हैं क्या, इसके ऊपर मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप टी आर्मी के अंदर ज़्यादातर वही बच्चे जाते हैं जिनकी हाइट कम होती है या जिनकी एजुकेशन बहुत कम होती है, वो खींच खास करके 10th पास होते हैं या 12th पास होते हैं। लेकिन दोस्तों एसीसी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अच्छे से आपको पूरी नॉलेज होनी जरूरी है कि उसमें एसएसबी का इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद इसका एक हार्ड टेस्ट भी होता है, रिटर्न टेस्ट भी लगता है। लेकिन आप अगर उसमें ग्रेजुएशन भी जरूरी है
और अगर कभी कभी ट्वेल्थ पास से भी इसमें जाते हैं, तो आपकी अगर शिक्षा अच्छी है तो आप एसीसी की तैयारी भी कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट आर्मी में लेफ्टिनेंट की भर्ती होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेसर दीपक चौबे का। सर 24 ईयर का हो गया हूँ जी, मैं तो टी आर्मी से पैरा में जा सकता हूँ क्या? दोस्तों इसके ऊपर एक दिन पहले भी एक कमेंट आया था, तो मैंने उसमें बताया था कि आप पैरा में, जो पैरा या स्पेशल पैरा में कैसे जा सकते हैं, तो उससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें ही थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें 25 साल तक का ही इसका प्रावधान है, और उसके लिए भी अलग से फिर टेस्ट होते हैं। उसमें आपको 20 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, फिर आपका 5 मीटर सेटल होगा, है ना, बीएम होंगे, तो काफ़ी कुछ हार्ड टेस्ट होते हैं उसके। तो इसमें एक अपने सीओ को मिलकर के एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, तो वो जब यूनिट में वैकेंसी आती है तभी हम उसमें जा सकते हैं, नहीं अदरवाइज इसमें वैकेंसियाँ बहुत ऐसे आती नहीं है। नेक्स्ट है सनम जलसाकर। सर 10th क्लास में इंग्लिश में 27 मार्क है, तो क्या जा सकते हैं? तो दोस्तों बेस में बता दिया कि टी आर्मी में जो जीडी में भर्ती अगर हम देखते हैं तो उसमें 45% मांगते हैं। अगर आप लेकिन 12th पास में आपके 45% नहीं है, उससे कम है, 40% मार्क्स भी हैं इस सब्जेक्ट, और आप खींच खाँच के पास हो गए हैं उसमें, 30 जून भी पास हो गए, तब भी आप जीडी सोल्जर की भर्ती देख सकते हो। बी कुमार ने पॉइंट किया, सर कोई ऐसा वैकेंसी बताइए जिसमें रन ना हो, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस मैसेज। भाई इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए आपको एक वीडियो में आपका नाम लेकर के बी कुमार जी बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी या जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उनके अंदर तो ऐसी कोई भर्ती नहीं है कि जिसमें रनिंग नहीं होती है, रनिंग सब में होती है, फिजिकल सब में होता है, मेडिकल भी होता है, रिटर्न टेस्ट भी होता है। तो इसलिए आप अगर कोई सिविल की नौकरी है, जैसे सिविल में बहुत सारी नौकरियाँ पंचायत समिति में होती हैं, या टीचर की है, पटवारी की है, सेक्रेटरी की है, उनमें रनिंग नहीं होती है, तो वो आप अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो वो सिविल में जॉब देखिए, बट आर्मी में तो हर चीज़ में रनिंग होती है। नेक्स्ट है अजय सोनू कॉमेडी क्लब का है। सर क्या मैं दो से तीन महीने में तैयारी कर सकता हूँ? मेरी एज 24 साल है, मेरा नाम सोनू है। तो सोनू जी आप बिल्कुल 2 से 3 या 2 महीने में ही तैयारी करने जाते हो। एक कहावत है ना, इंसान अगर अपने मन में कुछ ठान ले कुछ करने की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना हो। अगर आपके मन में जोश और जुनून है तो आप 1.5 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हो, अपना फिजिकल रनिंग सब कुछ आप तैयारी कर सकते हो, और आप जैसे ही भर्तियां निकलेंगी भर्ती हो भी सकते हो। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, जैसे ही भर्तियां खुलेंगी आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप में होने की क्षमता या काबिलियत है तो। इसमें नेक्स्ट है, इसमें सत्यवीर सिंह ने बोला, सर मेरी एज 25 साल है, क्या मैं टीए की भर्ती देख सकता हूँ? दोस्तों बिल्कुल देख सकते हो, इसमें 18 साल से 42 साल तक का प्रावधान रखा गया है, और इसके अंदर जब भी जो भी भाई है वो अपनी तैयारी करते रहें। अभी फिलहाल तो कोई भर्ती निकल नहीं रही है, जैसे ही कोई भर्ती आएगी तो आप ज़रूर भर्ती देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ खास खास पॉइंट। एक्चुअल में क्या आता है दोस्तों, आजकल कोई भी ना तो आर्मी की भर्ती निकल रही है, ना ही कोई टी आर्मी की भर्ती निकल रही है, लेकिन कुछ फेक चैनल्स हैं, कुछ फेक लोग हैं, लगातार भर्तियों के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं अभी 4-5 दिन बाद एक वीडियो, 4-5 दिन क्यों मतलब पूरे 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आप लोगों को खामखा परेशान करना। जब भी कोई भर्ती निकलेगी और जैसे ही, तो उसके बारे में हम जरूरी सच्चा भरा सटीक जानकारी भरा एक वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए कुछ डाउट्स थे, सवाल थे, इसलिए ये वीडियोज आज बनाना पड़ा। तो अभी किसी भी जोन की कोई भी भर्ती नहीं निकली है, और अगर कोई ऐसा कोई कुछ करके बना रहा है तो वो फेक है और गलत है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, अपने शब्दों को देता हूँ विराम में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी भरे वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।